नमस्ते, मेरा नाम पूजा है और आप मुझे देख रहे हैं cgsandesh.com में। मैं आज रायपुर से 22 किलोमीटर की दूरी तय करके एक चंदपुरी गांव में पहुंची हूं, भगवान श्री राम के नैनीहाल में, उनके मामा जी के गांव। माता कौशल्या का यहां जन्म हुआ था। माता का मंदिर है, बहुत ही प्यारा माता का मंदिर है और माता के मंदिर के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये जो मंदिर है ये तालाब के बीचों बीच बना है, ये तो आप देखेंगे और ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और मैं माता के मंदिर के अंदर पहुंच के बाकी की चीज़ें आपको बताती हूँ, चलिए मेरे साथ। यहाँ पे लाइटिंग है, यहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग की हुई है। भूपेश सरकार ने अभी इसका पूरा रूप रोपण कर चुका है, पूरा लाइटिंग से पूरा इसको जगमगा दिया है। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ जाए हैं, जैसे कि आज रविवार है तो लोगों की भीड़ जो है, लोगों का जमावड़ा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। मंदिर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु हैं, लेकिन फिलहाल हमें एक यहाँ पे नजर आए हैं जिनको हमने रोक लिया है। और मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ आप कब से आ रहे हैं और ये पहले कैसे मंदिर था, और जब आप यहाँ पे आए हैं तो अब ये मंदिर कैसे? पहले तो यहाँ पे मंदिर ज्यादा तेज नहीं था, अभी बहुत आ रहे हैं। अच्छा। और बहुत मतलब अच्छा चल रहा है। अच्छा, और बहुत भीड़ रहता है। संडे का है तो पहली बार है। पहली बार आप कहाँ से? मैं वैसा हूँ, राजस्थान से मंदिर में रहता हूँ। आपको कैसे लगा ये मंदिर? अच्छा लगा है मैडम, और ये पहले इतना नहीं था, अभी ये भगत जन ज्यादा आ रहे हैं। और ये जैसे कि सर ने बोला कि आप यहाँ पे, आप लोग यहाँ के नहीं है, लेकिन ये मंदिर के बारे में आपको जानकारी कैसे हुई? ये हमारे इधर चंदखुरी के ये एक दो दोस्त है, उसने बोला कि कौशल्या माता का मंदिर है बहुत बड़ा। और मैं पहले भी इधर आया हुआ हूँ, लेकिन पहले इतना नहीं था, अभी बहुत ज्यादा है। और लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, जो हमारे विजिटर्स हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे कि आप यहाँ पे क्यों आए माता का दर्शन करने? दर्शन करने मैं तो बोल रहा हूँ, दर्शन करने आओ, बहुत अच्छा अच्छा ये सब भगवान के दर्शन होते हैं इधर। मंदिर है, मूर्ति शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर बना, अब धीरे धीरे बन रहा है, प्रक्रिया चालू है। जी जी, शुक्रिया। यहाँ पे हमें बहुत प्यारी प्यारी, बहुत ही सुंदर यहाँ पे हमको लड़कियाँ, यहाँ पे हमको बेटियाँ मिल चुकी हैं। यहाँ मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि ये यहीं की हैं और माता के मंदिर के बारे में हमें कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देंगी। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा पूनम। और आपका नाम क्या? सीमा शाहू। अच्छा, आप लोग यहीं के हैं? जी, हम लोग यहीं से। अच्छा, और अभी ये पहले कैसा था ये माता का मंदिर, अभी कैसे, क्या चेंजेस हुए हैं, कुछ बताना चाहेंगी? जी जी, अभी काफ़ी प्रोग्रेसमेंट हुआ है जब से ये पर्यटन स्थल घोषित हुआ है। पहले यहाँ नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा थी, पूरा चारों साइड जो है वो प्लांट था, पेड़ पौधे थे। और अभी तो देख ही रहे हैं आप, पूरा सेल्फी वाला हो गया है। अच्छा, काफ़ी सुंदर हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर। अच्छा, और पहले श्रद्धालु ज़्यादा आते थे, इधर आ जाइए, पहले श्रद्धालु ज़्यादा आते थे कि अभी जब ये पूरा चेंज हो गया, लाइट वाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई तो अब ज़्यादा श्रद्धालु बढ़ गए कि पहले ज़्यादा आते थे? पहले भी श्रद्धालु आते थे और काफ़ी दूर दूर से आते थे, लेकिन अभी जब से ये और ज़्यादा प्रोग्रेसमेंट में आए हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगने लगी है। नवरात्रि में तो यहाँ से वहाँ पूरी भीड़ रहती है। अच्छा, फिलहाल अभी भी हमको काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। भूपेश सरकार ने काफ़ी चेंजेस किए हैं जिसके यहाँ पे पहले की अपेक्षा काफ़ी बदलाव हुए हैं, वही मैं आपको दिखाना चाहूँगी। एक बार पूरा आप राउंड ले लेंगे, पूरा एक बार गोल सर्कल लेंगे तो आप देखने को आपको मिलेगा। जैसे वहाँ पे देखिए कितनी ही प्यारी प्यारी लाइटें, और जिसकी वजह से ये बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये मंदिर। मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंची हूं और आप उधर देखेंगे, जैसे कि मैं बोल रही हूं और आपको पीछे मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, तो राम कथा जो है वो चल रही है वहां पे पीछे पे। यहां लगभग संडे या फिर किसी भी दिन, अभी तो मैं फ़िलहाल जब मैं यहां आई हूं तो आज मुझे देखने को मिला है कि यहां पे राम कथा चल रही है, बाकी दिन भी चलती होगी। अब मैं यहां पे, मेरे को मिल गए हैं यहां मंदिर के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, जिनसे मैं पूछूंगी यहां के इतिहास के बारे में, थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी दूंगी, और साथ ही कि पहले की अपेक्षा
अभी श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा हुई है या पहले ज़्यादा थी, और पहले क्या था और अभी क्या परिवर्तन हुआ है, ये सारा कुछ मैं इनसे पूछूंगी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम स्वरूप वर्मा है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, पूर्व में अध्यक्ष था, अभी संरक्षक के पद में हूँ, है ना। पहले की अपेक्षा अभी जैसे मैं देख रही हूँ, अभी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर हो गया, देखने में बहुत ही मनमोहक इसका दृश्य है, लेकिन पहले जब ये लाइट और ये सारा कुछ व्यवस्था नहीं थी, तब ये मंदिर कैसा था? उस समय लोग बहुत कम आते थे जी। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ का जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाए हैं, तब से और ये आकर्षण का केंद्र बन गया है, लाइट वगैरह लगाए हैं, तो इस कारण यहाँ रोज ऐसी ही भीड़ रहता है। अच्छा, और ये जो अभी कथा चल रही है, ये हर दिन कथा चलती है कि नहीं? ये मात्र रविवार के दिन एक रविवारी के नाम से चलता है रामायण पाठ, और इसको माननीय श्री देदास सर जी जो राष्ट्रपति पुरस्कृत है वो चयनित करते हैं और आज के दिन भेजते हैं। अच्छा, ये उनकी तरफ से यहाँ पे भेजे जाते हैं? वही चयनित करके यहाँ भेजते हैं, और 4 से 7 बजे तक यहाँ होता है हर रविवार को जी। और यहाँ का जो ट्रस्ट जो ये चढ़ावा चढ़ता है, ये किस उपयोग में आता है? ये यहीं का उपयोग में आते हैं, इनका जो भी कार्य होता है, जैसे अभी ये चल रहा है, नवरात्रि चलता है, बीच बीच में और त्यौहार आते हैं, उसमें खर्च किए जाते हैं। अच्छा, जो भी यहाँ पे माता का चढ़ावा आता है, माता के ही काम में यही होता है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। यहाँ पे मेरे साथ पंडित जी मौजूद है, यहाँ पे इनकी चौथी पीढ़ी यहाँ पे कार्यरत है, यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल में, हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको पूछना चाह रही हूँ सर कि यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, मैं सबसे लगभग यही क्वेश्चन कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हुए। तो मेरा जानने का ये है कि भूपेश सरकार ने पहले की अपेक्षा अभी पे क्या क्या चेंजेस किए हैं? अभी तो मेरे को खैर काफ़ी कुछ दिख रहा है, लेकिन मैं पहले नहीं जान रही थी कि मंदिर पहले कैसा था, तो मैं आपको जानना चाह रही हूँ कि मंदिर पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया सर, प्लीज़। जय श्री राम। माँ कौशल्या पावन नगरी चंदखुरी है ये जी। तो ये क्या है, पूरा तात्विक विभाग वाले भी इसको गणना करके चले गए, 8वीं शताब्दी का मंदिर इसको बताया गया। वैसे तो मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन जैसे जैसे लोग आस्था बढ़ती गई, उस प्रकार से इनका परिवर्तन होता गया। तो आज राज्य शासन भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हमारे, उनके द्वारा ज्योति कलश का जो भवन है इसका निर्माण किया गया, और अपना ये जो सेतु है राम सेतु जिसको हम बोलते हैं, कौशल्या सेतु भी कहा जाता है, इनका भी निर्माण वो पहले था, लेकिन उसको अच्छा तरीके से उसको बनाया गया। राम जी का बड़ा सा मूर्ति बनाया गया है 51 फीट का, है ना, बाहर में, और एक ज्योति स्तंभ बनाया गया है माँ कौशल्या के मंदिर के जस्ट पीछे, जो दीपक जलते रहता है, और चारों तरफ सौंदर्यीकरण का भी काम चल रहा है, और पीछे तालाब के उस पार परिपथ बन रहा है, परिक्रमा पथ जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये पूरा अभी काम चल रहा है? हाँ, काम चल रहा है, और वो क्या बोलते हैं, फुहारे का फाउंडेशन अभी लगने वाला है, उसका भी तैयारी चल रहा है, ये पूरा सौंदर्यीकरण? हाँ, सौंदर्यीकरण पूरा हो रहा है। तो अभी ये मैं पूछना चाह रही थी आपको कि आप यहाँ पे मंदिर की दिन रात अभी सेवा दे रहे हैं? जी बिल्कुल, दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं मंदिर की। और अभी क्या क्या आप चाहते हैं कि भूपेश सरकार यहाँ और क्या क्या बदलाव लाए, जिससे टूरिज्म, जिसे पर्यटन स्थल कहते हैं, वो और बढ़े? मैं चाहता हूँ कि यहाँ टूरिज्म जो आते हैं दर्शनार्थीगण, उनके बैठने की व्यवस्था अच्छी से हो, उनको रहने के लिए थोड़ा अच्छा, संत महात्मा आ जाते हैं उनके लिए भी थोड़ा व्यवस्था बन जाए, और भोजन की व्यवस्था भी हो जाए, तो लोग क्या है और ज़्यादा आने लगेंगे, आस्था और बढ़ेगी, माता का प्रेम उनके ऊपर और होगा, है ना, लोग और दूर दूर तक लोग इसको जाने, माँ कौशल्या का प्राचीन मंदिर है, विश्व में एकमात्र मंदिर है जो आस्था का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। मैं
जैसा पंडित जी, आप पंडित जी मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे और क्या क्या यहाँ के दर्शन श्रद्धालुओं को चाहिए और पंडित जी को यहाँ पे और क्या क्या व्यवस्था चाहते हैं, जैसा बोल रहे हैं यहाँ पे बैठने की व्यवस्था। हाँ सही बात है, मुझे भी अभी यहाँ पे बैठने की एक भी व्यवस्था नहीं दिखी है, तो आगे शायद आगे भूपेश सरकार यहाँ पे और काम होने वाला है। जैसे परिक्रमा स्थल पंडित जी ने बताया कि पीछे उधर पूरा बनाया जा रहा है, तो ये काम अभी चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्रेस होने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया।